नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को 25 दिनों से बिजली नहीं, भीषण गर्मी से बेहाल। सीएम भगवंत मान के दफ्तर के सामने करेंगे आमरण अनशन। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी ने 300 यूनिट तक मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, हालांकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आम जनता को भगवंत मान सरकार में हर दिन बिजली के झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में संगरूर जिले में एक स्वतंत्र सेनानी का परिवार बीते एक महीने से अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। पीड़ित परिवार ने सीएम से मदद की गुहार लगाते हुए चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी बिजली कनेक्शन नहीं बहाल हुआ तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आमरण अनशन देंगे। पीड़ित परिवार कोई और नहीं बल्कि आजादी के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी और स्वतंत्रता सेनानी गुरुदयाल सिंह का परिवार है। उनके बेटे और बहू सरकारों की बेरुखी के शिकार है। बताया जाता है कि जब पीड़ित परिवार के घर का कनेक्शन काट दिया गया तो परिवार ने पड़ोसियों के घर से तार के जरिए बिजली लेने की कोशिश की। इस पर विभाग ने पड़ोसियों के घर का कनेक्शन भी काटने की धमकी दे दिलाई। ऐसे में जब हालात ये हो गए कि स्वतंत्रता सेनानी का परिवार 25 दिनों से भीषण गर्मी में बिन बिजली की जिंदगी काट रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।